के बीच में अगले कॉलर को जोड़ते हैं। उज्जवल पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उज्जवल नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूं जी, कहां से बात कर रहे हैं? कानपुर। कानपुर जी। उज्जवल बताइए, क्या हाँ? जानना चाहते हैं, किस शहर पे आपका सवाल है? सर मेरे पास 1150 से अडानी टोटल गैस के शेयर हैं। 1150 या 1050? रुके, 1050 है। हाँ 1050, 100 रुपए नीचे के उसमें आ गए। जी जी जी, तो बताइए कब तक आप रुक सकते हैं स्टॉक में, कितना समय दे सकते हैं? मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बाय किया था, पर इधर लॉस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। हालांकि आज अडानी ग्रुप के कई शेयरों में बेहतर संकेत नजर आते हुए अडानी टोटल गैस 1050 की गौरांग सर खरीद है, और लंबी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए? अवधि का नजरिया है तो फिर निवेश के ऊपर चिंता क्यों करना मेरे भाई। छोटी अवधि में बार बार भाव देख करके आप अपने आप को मायूस या फिर निराशा आपके लाते। अब अडानी टोटल पर कवरेज नहीं, लेकिन ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल से जुड़ी हुई ये कंपनी है, और इतिहास हमें पता है जिस प्रकार से हाइडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद पूरे अडानी समूह की कंपनियों में गिरावट देखी और बाद में ऊपर की तरफ के दायरे। तो कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन इन जैसे दर्शकों को और निवेशकों को और बाकी अन्य निवेशकों को एक मैं राय ये दूंगा कि भाई आपने अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो अब हम क्या गलती करते पता है प्रशांत भाई, जैसे कोई भी स्टॉक में खरीद करते हैं ना, वो स्टॉक हम वॉच लिस्ट में डाल देते हैं और फिर आपको वो क्या बोलते हैं, वो अपडेट आते रहेंगे कि आपने जो शेयर खरीदी किया उसका भाव ये हो गया, उसका भाव वो हो गया। अरे भैया ऐसी सब गलती मत करो यार, लंबी अवधि के लिए खरीदा है तो हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते दाम देखने की क्या जरूरत है।